हेलो गाइस, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपके सामने ऐसा वीडियो लेके आया हूँ, अगर आपका यूट्यूबर चैनल है तो भी आपको देखना है, अगर आपका यूट्यूबर चैनल नहीं है तो भी आपको देखना है, अगर यूट्यूब चैनल बनाने के बारे में सोच रहे हो तो भी आपको देखना है। तो गाइस, मेरा नाम है चंद्रपाल सिंह, मैं राजस्थान अजमेर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो नए नए यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब पर आते हैं, चार पाँच दिन काम करते हैं और चले जाते हैं छोड़कर। बोलते हैं कि भाई मेरा चैनल ग्रो नहीं है, मेरा चैनल पे व्यू नहीं आ रहा, मेरा चैनल मतलब लोग देख नहीं रहे, उस पर व्यू नहीं आ रहे। तो गाइज, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, मैं आपको एक बात बताता हूँ गाइज, ठीक है। सबसे पहले मैं यूट्यूब पर वीडियो देखा करता था, 2016 और 17 में वीडियो देखता था बहुत, ठीक है। उस टाइम में मैंने चैनल बनाने की, मेरी ये गलती उस टाइम की ये रह गई कि मैंने उस टाइम में चैनल बनाने का सोचा नहीं था, क्योंकि उस टाइम में ऐसे ऐसे चैनल ग्रो हो गए थे गाइस, जिसकी ना तो वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव थी, ना कुछ भी, मतलब ना उनका बैकग्राउंड कंप्लीट था। जैसे कि अभी आप मेरे बैकग्राउंड देख रहे हो पीछे, इस जो बैकग्राउंड है ये भी है, मैं सोचता हूँ मतलब आप मनोज दे को ले लीजिए, मनोज दे के चलो उनको छोड़िए, वो बड़े यूट्यूबर आज के टाइम में सबसे बड़े यूट्यूबर है, मतलब मनोज दे, ठीक है। मनोज दे के अलावा बहुत सारे यूट्यूबर्स है, आप किसी भी यूट्यूबर्स को ले लीजिए, उसका सबसे पहले वीडियो आप देखिए और चैनल उसने कब स्टार्ट किया था, 2016, 2015, 2014, उस टाइम में गाइस काफ़ी सारे व्यूज आते थे। कारण ये था कि उस टाइम में इतने यूट्यूबर्स नहीं थे, बहुत सारे कम यूट्यूबर्स थे। आज का टाइम ऐसा है कि हर घर से एक आपको यूट्यूबर्स मिल जाएगा, हर चीज़ हर कैटेगरी पर वो वीडियो अपलोड करते हैं, तो यही कारण है गाइस व्यूज मतलब कम आने का। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप मेहनत करोगे, अगर आपके अंदर क्वालिटी है, कोई चीज़ देने की वीडियो क्वालिटी है, आप लोगों को क्या दिखाना चाहते हो, लोगों को अगर आपका वीडियो अच्छा लग रहा है, आप किस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हो, पब्लिक क्या देखना चाह रही है, उस चीज़ के ऊपर आप जिस पे वीडियो बना रहे हो उसको पब्लिक देखना पसंद कर रही है, तो डेफिनेटली आपका चैनल ग्रो होगा गाइस। तो मैंने, मेरे को टेक चैनल मोबाइल्स वगैरह में रुचि थी, तो मैंने टेक चैनल का वीडियो बनाया। आप जितना भी चैनल देखोगे, मनोज दे का चैनल ले लीजिए, शुरुआत उन्होंने टेक चैनल से की थी, आजकल वो सारे वीडियो डालते हैं, ऐप्स के रिव्यू के भी डालते हैं, कभी कभार व्लॉगिंग का भी उनका एक अलग चैनल है, लेकिन उस चैनल के ऊपर भी व्लॉगिंग कर लेते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, टेक्निकल गुरु जी है, योगी जी है, बहुत सारे, इनके भी व्यू डाउन हो गए आजकल, मनोज दे के व्यू डाउन नहीं हुए, क्योंकि गाइज उनका कुछ जर्नी वगैरह है, उनका कुछ ऐसा ही है, वो हर कंटेंट हर तरह की वीडियो डालते हैं, हर तरह के वीडियो पर उसके ऊपर व्यू भी आते हैं और लोगों का बहुत सारा प्यार बना रहता है, क्योंकि वो एक ऐसी फैमिली से आए हैं कि गाइज एक वक्त उनके पास 25 रुपये कमाना, आप उनका जाकर वीडियो देखिएगा चैनल पर, वो उनकी स्टोरी, उसकी जर्नी है, सब कुछ आप देखना। उस टाइम में उनके तीन तीन चैनल गूगल एडसन ब्लॉक हो गया था, उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी गाइस, ठीक है, उनके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। अगर वो उस टाइम में हिम्मत हार जाते, मनोज दे की बात कर रहा हूँ, तो आज वो इस मुकाम पर नहीं हो पाते। आप उनका जाकर चैनल सर्च करोगे मनोज दे यूट्यूब पर, तो आपके सामने आ जाएगा, और टॉप वीडियो पे, जैसे कि आप जो होता ना टॉप पॉपुलर वीडियो, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने उनके ओल्ड वीडियो आएंगे, जिसमें ना तो क्वालिटी है ना कुछ है। तो गाइस उस टाइम में चैनल ग्रो हो गया था, लेकिन आज का टाइम में चैनल ग्रो करना बहुत ही बड़ी बात है गाइस, क्योंकि आज के टाइम में हर घर से यूट्यूबर हो गया, हर कैटेगरी के ऊपर वीडियो बना रहा है, यही एक मेन रीज़न है। और एक मेन रीज़न ये भी है, टाइम के साथ साथ बदलना, वीडियो इम्प्रूव करना, थंबनेल इम्प्रूव करना, ये सब कुछ करना, तो ये इसके लिए आपको ये थोड़ा सा मेहनत वगैरह करना पड़ेगा। बहुत सारे मतलब होते हैं, थोड़ा वीडियो डाले व्यू नहीं आ रहे, चार पांच महीने काम किया छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो गाइज मनोज दे है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने तीन तीन चार चार साल तक मेहनत की लगातार कंटिन्यू, तब जाके उनका चैनल ग्रो हुआ है गाइज। ऐसे ही नहीं ग्रो हो गया, चैनल पर बनाया और रात रात व्यू आ गए और हो गया ग्रो। एक वीडियो उनका वायरल हुआ था, हर यूट्यूबर का अगर एक भी वीडियो वायरल हो जाए तो लाइफ बन जाएगी गाइज। मैंने भी गाइज 2021 में चैनल स्टार्ट किया देख के, तो मेरा एक वीडियो ऐसा है उस पर 1 लाख से ऊपर व्यू है, उससे मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिले, बूट लोडर अनलॉक कैसे करते हैं विदाउट पीसी का, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था गाइज, ठीक है, तो उस पर मुझे 1 लाख से व्यू है, बाकी 76 के ऐसे आ रखे। हालांकि गाइज अभी वीडियो पे व्यू कम आते हैं गाइज, क्योंकि टेक कैटेगरी के चैनल बहुत सारे हैं जो भी है, लेकिन मेहनत करते रहना गाइज, कभी भी हार नहीं मान ली, क्या पता कभी वीडियो वायरल हो जाए, किस्मत
पलटी हो जाए। आपको पता ही है कि आजकल ड्रीम इलेवन चल रहा है, किसी को पता नहीं है कब उसने 2 करोड़ रुपए जीत लिए, कभी 1 करोड़ जीत लिया। तो इसलिए मेहनत करती रहना गाइस, क्या लगता है, डाटा ही तो लगता है, और क्या लगता है, इसमें आपको पैसे तो लग नहीं रहे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने के लिए। तो गाइस मेरा चैनल भी 1 साल से मोनेटाइज हुआ था और 5 पेमेंट भी मुझे मिली है, अभी कुछ 1-2 महीने पहले ही 5 पेमेंट आई है। तो गाइस कुछ 8,500 के आसपास पैसे आए थे, 105 या कुछ $106 मुझे मिले थे, तब जाके मुझे विश्वास ये हुआ कि भाई यूट्यूब से भी पेमेंट मिलती है और आती है। तो गाइस यूट्यूब एक अच्छा करियर बनाने का और अच्छा एक है, मैं मानता हूँ लोग लाखों करोड़ों रुपये कमा रहे हैं यूट्यूब से। तो गाइस मैं भी अभी सिक्योरिटी गार्ड में जॉब भी करता हूँ, यूट्यूब पर वीडियो भी अपलोड करता हूँ, दोनों काम गाइस मैं करता हूँ। तो गाइस डाटा फ्री मिलता ही है, 1.5 GB मिल जाता है, पहले के टाइम में तो कितना महंगा था डाटा, आज के टाइम में आपको पता ही है हर 1.5-2 GB आपको हर पर डे का प्लान मिलता है, बहुत सारे प्लान मिलते हैं गाइस। तो एक वीडियो के लिए तो थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो, आधा 1 घंटा मान लो एडिटिंग वगैरह करोगे तो गाइस क्या पता आपकी किस्मत बदल जाए। तो गाइस लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि यूट्यूब में कमाई है गाइस, अगर वीडियो चैनल अच्छा आप कॉन्टेंट बनाओ तो, बाकी कॉमेडी चैनल भी आप देख लीजिए, लेकिन टॉपिक अच्छा होना चाहिए, लोग आपको पसंद करने चाहिए, ठीक है। तो मेरा चैनल है टेक के, व्यू आते हैं 200-300 आते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स के हिसाब से आते हैं गाइस, मेरे सब्सक्राइबर्स अभी भी कम ही है, 4K भी नहीं है, 3K के अंदर ही है, तो उस हिसाब से 200-300 व्यू ठीक है जो भी आते हैं, धीमे धीमे उस पर भी बढ़ जाते हैं 1K 2K, आप देखना चैनल को जाके मेरा रिव्यू करना, उस पर व्यू है काफ़ी सारे वीडियो पे, अच्छे खासे व्यू आ रखे, एकदम नहीं आते, धीमे धीमे व्यू आते हैं, आप देख सकते हो जिसके मिलियन व्यू है, करोड़ों व्यू, लाखों व्यू, उनके भी लाखों में 1-2 लाख 3 लाख के आसपास ही व्यू आते हैं। तो उस हिसाब से मेरे भी ठीक है, क्योंकि 4,000 से अंदर है तो 300-400 व्यू है, जिसके मिलियन सब्सक्राइबर्स है उनके लाखों में व्यू आते हैं, तो उनके हिसाब से मेरे भी देखा जाए तो ठीक ही है। जब सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो गाइस व्यू भी बढ़ेगा। तो बहुत सारे यूजर्स मैं वीडियो इसके लिए बना रहा हूँ खास तौर पर, क्योंकि गाइस आप यूट्यूब पर आते हो, यूट्यूब का जो आप चैनल क्रिएट करते हो, उसके बाद में 2-4 दिन वीडियो डाले आप चले जाते हो, भाग जाते हो, कुछ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होता गाइस, आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। रेगुलर वीडियो नहीं दे सकते तो सप्ते में 1 वीडियो आप अपलोड कर ही सकते हो, सप्ते में नहीं कर सकते हो तो 2 सप्ते में गाइस आपको 1 वीडियो डालना है, अच्छा कंटेंट ढूंढकर, जिस टॉपिक का आपका कैटेगरी का चैनल है उसके ऊपर डालते जाइए गाइस, सिर्फ 5-10 मिनट का जो आधा 1 घंटा का तो टाइम निकालना गाइस, आप वैसे भी तो टाइम बर्बाद करते हो, रील्स देखते हो, यूट्यूब पर कोई मूवी वगैरह देखते हो, तो गाइस इससे अच्छा आप अपने भविष्य के बारे में सोचिए, क्या पता आपका मतलब किस्मत चमक जाए और आपका वीडियो वायरल हो जाए, कोई भी कुछ कह नहीं सकता गाइस, ऑनलाइन दुनिया है यूट्यूब की, तो किसी का पल भर का भी कोई भरोसा नहीं, कोई कहाँ से कहाँ पहुँच जाए और कोई कहाँ से कहाँ नीचे आ जाए। तो गाइस इसलिए मैं आपको यही सजेशन करूँगा कि आप चैनल बनाते हो तो गाइस उस पर एक आप एकदम मेहनत रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए, ऐसा नहीं आपने वीडियो डाला 10-15 वीडियो डाले छोड़ लेते, बहुत सारे यूजर्स हैं, मेरा भी मन करता है कि मैं छोड़ लूँ, कुछ हो नहीं रहा है, क्या है वीडियो है, लेकिन मैं यहाँ पे आके रुक जाता हूँ कि गाइस 10-15-20-25 मिनट आधा 1 घंटा तो मैं वैसे भी कुछ होकर बेटा बेटा क्या करूँगा, आधा 1 घंटा तो मैं निकाल ही सकता हूँ ना, आधा 1 घंटा तो वीडियो में यूट्यूब को दे ही सकता हूँ, क्या पता कोई वायरल हो जाए, पैसे तो लग नहीं रहे, डाटा फ्री है, सब कुछ फ्री है, तो 1 वीडियो तो अपलोड कर ही सकते हैं। इसलिए मैं कभी कभार वीडियो अभी देख सकते हो आप, मैंने पहले मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता था, अभी थोड़ा बहुत टाइम नहीं मिल रहा फिर भी मैं वीडियो दे रहा हूँ, 4-5 दिन में 1 वीडियो मैं अपलोड कर लेता हूँ, कस्टम रोम वगैरह के रोम भी आजकल नहीं प्रोवाइड हो रही है, डेवलपर इन्होंने काम भी थोड़ा कम कर लिया इस वजह से, बाकी मैं रोज़ 1 वीडियो अपलोड करता हूँ गाइस और आगे भी करता रहूँगा, और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार चाहिए मुझे, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से कुछ भी नहीं हूँ मैं, और ये लोग आपको भी पता है कि जो भी है पब्लिक है, पब्लिक का ही सपोर्ट होता है, जो मनोज दे जितने भी यूट्यूबर्स है पब्लिक उनको प्यार करती है, सपोर्ट करती है, उनका वीडियो देखती है, तभी वो पैसे कमाते हैं, अगर सारी पब्लिक उनका वीडियो नहीं देखेगा बंद कर देगा तो 1 भी रुपया वो कमा नहीं पाएंगे। तो गाइज मुझे भी आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि आप लोगों के बिना यूट्यूब में कुछ भी नहीं है, पब्लिक के सिवा कुछ भी नहीं है। तो गाइज मैं जॉब भी करता हूँ और वीडियो भी अपलोड करता हूँ, जब भी टाइम मिलता है मैं वीडियो अपलोड कर लेता हूँ गाइज, ठीक है। तो यही थी कि आप हार मत मानिए, जो कहावत वगैरह आपने सुनी होगी कुछ भी हो जाए हार मत मानिए, मेहनत करते रहिए, इसमें वैसे भी इतनी भी मेहनत नहीं है, और इसमें वैसे देखा जाए तो इतना भी कुछ पैसे वगैरह कुछ भी लगते यार, फ्री है यूट्यूब, एक वीडियो एडिटिंग किया, नॉर्मली एडिटिंग करते हो, एडिटिंग किया, अपलोड किया, जिस भी कैटेगरी चैनल है वीडियो आप अपलोड कर सकते हो गाइस, ठीक है। थोड़ा सा टाइम निकालिए, अपलोड करिए, क्या पता कभी किस्मत बदल जाए। तो ये वीडियो इन्हीं के ऊपर है जो 5-6 महीना
काम करते हैं, कुछ हो नहीं रहा है, छोड़ के चले जाते हैं। तो गाइस छोड़िए मत ही चैनल को, उस पर एक एक वीडियो अपलोड करते रहिए, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। कभी भी वीडियो वायरल हो जाएगा तो आप फेमस हो जाओगे गाइस। और वीडियो बनाते हो तो अच्छी क्वालिटी और अच्छे कंटेंट पर बनाइए, ताकि लोग देखें और आपको पसंद करें और आपको लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चलो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।